आपसे दो बातें करनी थी। जब आप इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो देखते हैं तो यहाँ एक टाइम बार है, इतना ही टाइम में देख सकते हैं, लेकिन जो वीडियो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करती हूँ वो कंप्लीट वीडियो मैं आपके साथ बिलीव इन कर्मा पर भी शेयर करती हूँ। अब बिलीव इन कर्मा एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप कंप्लीट वीडियो यहाँ नहीं देख पाते तो प्लीज़ बिलीव इन कर्मा पर यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। सेकेंड थिंग, कल वो जो चिड़िया वाला वीडियो मैंने डाला उसमें मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, मैं जानना चाहती थी आप क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लव एंड सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी। बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रैफिक बहुत था लेकिन हम एक फ्लाईओवर के नीचे खड़े थे और हमने जब चिड़िया उड़ाई तो सारी चिड़िया उड़कर फ्लाईओवर के ऊपर बैठ गई, तो वो उन्हें दोबारा नहीं पकड़ पाएगा, ये बात मुझे भी पता थी। और तुरंत उड़ाने के बाद मैं वहाँ से नहीं निकली, हाफ एन आवर रही और मैंने उससे कहा तुम्हारी यहाँ चिड़िया बिक चुकी हैं, तुम रिक्शा करके जाओ। तो किसी ने कमेंट कर कहा कि ये नहीं होना चाहिए, बट ये मेरे हाथ में नहीं है। ऑन द रोड इतने ट्रैफिक में, सड़क पर और इतने दिल्ली के पॉश एरिया में खड़े होकर वो जो है चिड़िया बेच रहा था, ये गवर्नमेंट का राइट है, गवर्नमेंट का स्टे है कि वो इसके ऊपर स्टे ले। मैं तो जो अपनी तरफ से कर सकती थी वो मैंने किया। बिल्कुल सही कहा, मैंने देखा उसने एक वाइट कलर के चूहे को बंद कर रखा था जिसकी बहुत माली हालत थी। मैंने उसे कहा भाई इसे छोड़ दे, इवन मैंने उसे कहा या नाला है इसे छोड़ दे, वो कहीं भी बिल में चला जाएगा, तो पैसे ले ले, बट वो इसके लिए रेडी नहीं था। सो मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया। और मैं भी आपसे कहूँगी इसके बाद वो मर जाएंगे, ये दोबारा पकड़ लेगा, और ये बड़े पक्षी छोटे पक्षी को खा लेते हैं, ये सारे ऑस्ट्रेलिया से आते हैं हमारे यहाँ, तब भी उसको पक्षी खा सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि किसी की कैद में रहने से मौत ज़्यादा बेहतर है? तो इतना नहीं सोचा मैंने कि क्या कर सकूं, आगे मौत और ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, हम जितना बेहतर कर सकते हैं उतना तो करें। उन्हें पानी नहीं मिल रहा था, उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, वो कैद में थे, उससे अच्छा वो आज़ाद होकर मर जाएं और ये जन्म से मुक्ति मिलकर उनका एक अगला जन्म हो, क्या पता वो मनुष्य का ही हो। सो इतना नहीं सोचिए, पॉजिटिव होकर सिर्फ अच्छे कर्मास कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ईश्वर हर जगह है, उसकी